राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडित छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। घर के मुख्य द्वार का महत्व वास्तु शास्त्र में सर्वाधिक माना गया है। घर का मेन डोर घर के मेंबर्स की सोशल, मेंटल और फाइनेंशियल वेलबींग पर सीधा प्रभाव डालता है। तो आइए जानते हैं किस तरह आप अपने घर के मेन गेट की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर के मेन गेट के ठीक सामने कोई खंभा या कॉलम है तो ये एक वास्तु दोष है। तुरंत उपाय के लिए अपने घर के मेन गेट पर एक सिंदूरी रंग यानी रेडिश ऑरेंज कलर के गणपति स्थापित करें, दोष कम हो जाएगा। मगर ध्यान रहे कि गणपति स्थापित करने से पहले आप वहाँ यानी गणपति की पीठ के पीछे एक स्वस्तिक जरूर बनाएं। अगर आपके घर या आपकी दुकान के ठीक सामने कोई नदी, नाला या कुआं है तो ये भी शुभ नहीं। इसे ठीक करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन गोमूत्र वहाँ छिड़कें। कोशिश करें कि आपके घर के मेन गेट का कलर नेचुरल वुड के कलर से मिलता जुलता हो। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल ना हो तो लकड़ी का जैसे कि टीक वुड का एक 6 इंच का स्वस्तिक बनवाकर अपने घर के मुख्य द्वार के पास लगा दें। अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट को हमेशा चमचमाता हुआ और साफ रखें। जिस पानी से उसकी सफाई करें उसमें थोड़ा सा नमक और 4-5 बूंदें सरसों के तेल की ज़रूर डालें। अपने घर के मुख्य द्वार को कभी भी बंधनवार से खाली न रखें। अगर कोई भी बंधनवार न मिले, अशोक के पत्तों की तोरण ही अपने घर के मेन गेट पर हमेशा लगा कर रखें। कई बार लोग दरवाजे को बिना नेम प्लेट के ही छोड़ देते हैं, ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि दरवाजे पर नेम प्लेट, मुख्य द्वार के ऊपर आपका नाम यकीनन घर के वास्तु को और भी पॉजिटिव बनाता है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।